अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्किस मंसूर। आइए आज हम बनाएंगे आलू की टिक्की। ये हमने 3 से 4 आलू उबाल के इनको थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। 2-3 घंटे के लिए हमने ये फ्रिज में रख दिए थे। फ्रिज में रख के ना आलू की टिक्की बहुत अच्छी बनती है। अब ये हरा धनिया हमने धो के अच्छी तरह से कट कर लिया है। इसमें आप पुदीना भी डाल सकते हैं। ये है हरी मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च काटी थी। ये है हमारा भुना और कुटा हुआ धनिया और ये कुटी हुई मिर्च, ये सब इसमें डाल दीजिए। और ये डालेंगे अब हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें चाट मसाला। ये नमक 1 चम्मच, ये चाट मसाला भी हो गया। अब इसको अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। ये हमने 2 बड़े चम्मच चावल का आटा पीसा हुआ है जो हमने मिक्सी में ही पीसा था, थोड़ा दरदरा सा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए ये हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। ये बिल्कुल बाजार के जैसी टिक्की बनेंगी, जैसे मार्केट में मिलती हैं, बिल्कुल एकदम कुरकुरी। ये देखिए इसको गोल गोल बना लीजिए। इसको फ्रिज में जरूर रख देना 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ी कुरकुरी भी टिक्की बनती है इससे। ये देखिए ये अच्छी तरह से बना लीजिए बिल्कुल गोल। ये हमने बना ली है। अब हमने एक पैन में तेल चढ़ा रखा था, ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसको इसमें डालेंगे। ये देखिए गैस का फ्लेम हम लो कर देते हैं। ये अब हम इसमें डाल देते हैं सारी टिक्कियाँ। ये देखिए अब हम इसका कलर हमारी टिक्कियों का सुनहरा सा होने लगा है। अब इसको हम पलट देंगे इन टिक्कियों को, जब भी पलटें जब इसका कलर थोड़ा सुनहरा सा हो जाए, क्योंकि अगर कच्ची इनको पलटेंगे तो ये टूट जाएंगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर इन पे आया है। ये देखिए हमारी टिक्की दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक चुकी हैं, दोनों तरफ से कितना अच्छा कलर हो गया है इनका, बिल्कुल गोल्डन। अब देखिए हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये हमारी टिक्की बिल्कुल तैयार हो गई हैं। ये इनको हरी चटनी के साथ खाइए।